आई I मीन mean, जो स्ट्रेंथ मुझे किरण मैम में दिखती है ना कहीं ना कहीं मुझे वो स्ट्रेंथ मेरी जो फैमिली में फीमेल्स है ना उनमें दिखती है सबके अराउंड इतना प्यार भरा माहौल इतना वार्म माहौल क्रिएट करती है ना जो कि कलेक्टिवली एक एक्टर की परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट करता है मुझे ऐसा लगता है रवि सर भी हमारे साथ डेब्यू कर रहे हैं और वो ये बात बोलते हैं कि ये तो मेरा लॉन्च है किशन बींग रवि किशन सुपर स्टार राइट एंड रवि किशन द वो ना वो सेट पर लेके ही नहीं आते Uh, अगर मैं फिल्म की बात करूँ तो किरण मैम ने फिल्म डायरेक्ट किया है यू you नो know, सब हमेशा बोलते हैं कि फीमेल डायरेक्टर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अलग है क्योंकि कम डायरेक्टर्स हैं जो फिल्म डायरेक्ट करती हैं फीमेल डायरेक्टर आप तीनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा किरण मैम के साथ और क्या एक यूनिक चीज़ थी उनकी जो बाकी से उनको अलग बनाता है आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस किरण मैम के साथ य था कि एक तो किरण मैम शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी आई मीन जो स्ट्रेंथ मुझे किरण मैम में दिखती है ना कहीं ना कहीं मुझे वो स्ट्रेंथ मेरी जो फैमिली में फीमेल्स हैं ना उनमें दिखती है जिस तरह से मेरी फैमिली की फीमेल्स ने मुझे पाला पोसा है वैसे ही किरण मैम हमें सेट पर पैम्पर कर रही है शी इज लिटरली लाइक अ मदरली फिगर टू ऑल ऑफ अस मतलब बाकी वहाँ पर डायरेक्टर हैं वो और हम एक्टर्स हैं mm. यहाँ पर तो हम सब फैमिली हैं हम लाइफ भी डिस्कस कर रहे हैं हम सीन्स भी डिस्कस कर रहे हैं हम हर चीज एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हैं एंड शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर ईच वन ऑफ अस नॉट जस्ट अस द क्रू एवरी पर उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो मैम का इमोशनल इमोशनल क्वेश्चन है ना जो इमोशनल मेचोरिटी है वो ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी आप एक ही नज़रिए से चलते हो लेकिन मैम के अंदर वो एक्सेप्टेंस है टू सी कि अच्छा ये आदमी कहाँ से आ रहा है इसका क्या बैकग्राउंड है इसका क्या बैकग्राउंड है एंड दैट्स द ब्यूटी जो वो फ्रेम पर ला पा रही है क्योंकि हर एक कैरेक्टर का एक खुद की इंडिविजुअल स्टोरी होती है बिकॉज उनके पास वो वाइड वेराइटी ऑफ थाट है कि उस तरह से देख पा रही है आई थिंक वो कहीं ना कहीं इसी तरह से खूबसूरती से फ्रेम में भी दिख रहा है क्योंकि हर एक कैरेक्टर अपनी कहानी लेके चल रहा है आई थिंक मैम ने हर एक कैरेक्टर को एक जस्टिस दिया है उनके थॉट्स को एक जस्टिस दिया है आई थिंक व्हाट आई वुड लव टू मेंशन इज ब्यूटी ऑफ दैट किरण मैम की जो खासियत है ना uh -huh. कि वो सेट पे एक ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं जो कि एक एक्टर के लिए काफ़ी सपोर्टिव होता है uh -huh. और ये सिर्फ एक्टर को पैम्पर करने तक सीमित नहीं रहता है uh, वो अपनी टीम को अपने एडीज uh -huh. को डीएस को क्रू को कैमरा को टेक्नीशियन को सेट डिज़ाइनर्स को yeah. सबके अराउंड इतना प्यार भरा माहौल इतना वार्म माहौल क्रिएट करती है ना जो कि कलेक्टिवली एक एक्टर की परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट करता है एक हम फ्री माइंड के साथ परफॉर्म कर पाते हैं एंड द सेकेंड थिंग विच शी इज़ ग्रेट एट इज हर ह्यूमन मैनेजमेंट वो जिस तरह से एक्टर्स को और सभी को मैनेज करती हैं और उनका ना बड़ा अच्छा कमाल की एक टेक्निक एड हो नो हाउ शी मैनेजस दैट कि उनका जो मेरी तरफ इंस्ट्रक्शन है ना वो मेरी पर्सनैलिटी को देख कर आएगा पर yeah, so जो इनके लिए होगा वो कुछ अलग होगा क्योंकि mm -hmm. इनका थॉट प्रोसेस अलग है जो yeah. इनके लिए होगा वो अलग होगा तो दैट शी इज ग्रेट एट ऑल्सो एज ए डायरेक्टर शी वॉट शी इज ब्रिलियंट इज काफ़ी डायरेक्टर्स को ना जब आप सीन कर रहे होते हो जब आप टेक्स कर रहे होते हो ना तो पता नहीं होता कि सीन में कुछ गलत जा रहा है ये सेंस हो जाता है कि कुछ गलत है एग्जैक्टली mm -hmm. exactly क्या गलत है वो नहीं पता होता है बट किरण मैम नोज एग्जैक्टली कि क्या गलत जा रहा है बिकॉज वो एक बहुत अच्छी एक्टर भी हैं yeah. mm -hmm. तो उन्हें एक्जैक्टली exactly पता होता है कि ये गलत जा रहा है अगर मैं इसकी जगह ये करूँगा तो वो सही हो जाएगा तो कट के बाद हमेशा आके बोलते थे दीपक ये वर्क नहीं कर रहा है इसके जगह तो ऐसे करेगा ना देन इट विल वर्क एन इट वर्कस

अभी जैसे मैं उनके इंटरव्यूज़ देख रही हूँ कि हमने साथ इतने इंटरव्यूज़ दिए नहीं है hmm. इतना काम करने के बावजूद भी जो उनके अंदर ना एक स्पार्क है ना लाइक आई एम ब्लोन अवे अगर आई डोंट नो मतलब मुझे ऐसा लगता है रवि सर भी हमारे साथ डेब्यू कर रहे हैं और वो ये बात बोलते हैं कि ये तो hmm. मेरा लॉन्च है आई I मीन mean, yeah. जो एनर्जी है उनके hmm. अंदर दैट्स कमेंडेबल hmm. वो कहाँ से वो एनर्जी ला रहे हैं वो क्या जादू है गॉड नोज बट कीपिंग ऑल दीज थिंग साइड ये हम सभी अग्री करते हैं ब्यूटिफुल्यूमन बींग रवि किशन बींग द रवि किशन द सुपर स्टार राइट एंड रवि किशन बींग द सांसद वो ना वो सेट पर लेके ही नहीं आते ही विल कम ऑन सेट और वो सबसे पहले आपने को एक्टर्स को अपना दोस्त बना लेंगे बिकॉज yeah. अगर नहीं होगी दोस्ती तो वो सीन पर रिफ्लेक्ट करेगा वो केमिस्ट्रीज़ में रिफ्लेक्ट करेगा तो वो सबसे पहले अपना दोस्त बना लेते हैं yeah. और वो इतने बड़े हैं और हम बच्चों के साथ ना वो yeah. इतने फ्रेंडली नेचर से आते हैं और हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं इनफैक्ट आई वुड लव टू मैंशन की एक सीन है जहाँ मैं थाने में उन्हें जाता yeah. हूँ बताने की सर मेरी बीवी खो गई है और ये ये ऐसा ऐसा हुआ तो मैं उससे पहले न काफ़ी स्ट्रेसड आउट था कि यार कैसे करूँ ये सीन आई वॉन्ट टू रियली हिट इट एंड मस्त अच्छे से करना है एंड आई वॉज स्ट्रेसिंग तो उन्होंने वो देख लिया और उन्होंने बोला कि यार तू स्ट्रेस क्यों ले रहा <laughs> है तू ऑलरेडी वहाँ पर है तूने ने दो महीने इस सीन को पढ़ा है तेरे पास दिमाग में वो कॉन्टेक्स्ट है <laughs> तो तू स्ट्रेस मत ले बस ऑनेस्टी के साथ इसको कह दे बात को <laughs> और ये सीन हो गया तो मैंने वो किया एंड आई थिंक दैट्स वन लर्निंग बच आई वुड रियली हैव टू हैव विद है